खान महाघूस कांड में आरोपित आईएएस अशोक सिंघवी को राज्य सरकार ने होली पर बड़ा तोहफा दिया है। सिंघवी को सीएस रैंक में प्रमोशन का तोहफा दिया है। इसके लिए डीओपी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। डीओपी से आदेश जारी होते ही एक बार फिर जी मीडिया की खबर पर मुहर लग गई। जी मीडिया ने पहले ही संकेत दिए थे कि अशोक सिंघवी को बहाली और पोस्टिंग के बाद सीएस रैंक में पदोन्नति मिलेगी। हालांकि सिंघवी के खिलाफ लगे आपराधिक प्रकरणों में अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखा गया है। इससे पहले दीपावली पर सिंघवी को बहाली का तोहफा मिला था। दरअसल 1983 बैच के आईएएस सिंघवी की बहाली, पोस्टिंग और पदोन्नति ऑल इंडिया सेवा नियमों के उस नियम के तहत की गई है, जिसमें कहा गया है कि ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को 2 साल से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता। इससे पहले 23 फरवरी को ही 1985 बैच के आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव और गिरिराज सिंह को अबव सुपर टाइम स्केल से मुख्य सचिव वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया था। वसुंधरा सरकार के आने के बाद अशोक सिंघवी का डीएमआईसी प्रमुख सचिव पद के बाद खान विभाग के प्रमुख सचिव पद पर नवंबर 2014 में तबादला किया गया था। इस पद पर 1 साल रहने के बाद सिंघवी खान महाघूस कांड में गिरफ्तार किए गए और 17 सितंबर 2015 को निलंबित कर दिए गए। 2 साल निलंबित रहने के दौरान हुई स्क्रीनिंग बैठकों में सिंघवी की एसीएस पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया और सील बंद लिफाफे में सिफारिश कर दी गई। 4 अगस्त 2017 को सिंघवी को बहाल किया गया और 2 महीने एपीओ रहने के बाद 16 अक्टूबर 2017 को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में डीजी पद पर पोस्टिंग मिली। सीएम के अनुमोदन के बाद सीएस रैंक में पदोन्नति के आदेश जारी हो गए। इस बार नील कमल दरबारी और वीनू गुप्ता को अगले साल की रिक्तियों के विरुद्ध एसीएस बनाया गया। ऐसे में इन 3 नामों को किस साल के रिक्त पद के विरुद्ध एडजस्ट करेंगे, इस सवाल का डीओपी अधिकारियों के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। रविशंकर श्रीवास्तव आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित हैं, तो गिरिराज सिंह के खिलाफ पद के दुरुपयोग का आरोप है, जिसमें अभियोजन चलाने की स्वीकृति केंद्र सरकार से नहीं मिल सकी। आखिरकार 23 फरवरी 2018 को गिरिराज सिंह को प्रमोट किया गया। ऋतुराज शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।